गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास में सामाजिक विज्ञान में भारतीय समकालीन विश्व फर्स्ट, इसका लेसन सेकंड है जो हम कर रहे हैं। लेसन सेकंड है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। लेक्चर नंबर है वो हमारा रहेगा 28, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। पिछले लेक्चर्स में हमने क्या किया था, उससे पहले हमने क्या किया था कि समाजवाद का आगमन, यूरोप में समाजवाद का आगमन। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया कि समाजवाद को कितना समर्थन मिला, कि यूरोप में समाजवाद को क्या समर्थन मिला। यूरोप में समाजवाद को समर्थन तो मिला, पूरे यूरोप में समाजवादी जो विचारधारा है वो फैल गई, लेकिन 1914 तक जो समाजवादी विचारधारा है वो सरकार बनाने में नाकामयाब रही, सरकार नहीं बना सके यूरोप में। और सरकार किसने बनाई, उदारवादियों ने, रेडिकलवादियों ने और रूढ़िवादियों ने। आज हम करेंगे रूसी साम्राज्य 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस का शासन था। किसका शासन था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा, 1914 में रूस और उसके साम्राज्य पर किसका शासन था, किसका शासन था, जार निकोलस। मास्को, मास्को क्या है, रूस की राजधानी। मास्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यानी कि ये जो सारे भाग हैं वो रूसी साम्राज्य में ही शामिल थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ने, चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। जो क्रिश्चियन हैं उनको मानने वाले लोग ज़्यादा थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथलिक, मुस्लिम और बौद्ध हैं वो भी शामिल थे। कि वैसे तो रूस में जो क्रिश्चियन है उसको मानने वाले ज़्यादा थे, उनका बहुमत था, लेकिन उसके साथ साथ कैथलिक, मुस्लिम और जो बौद्ध लोग हैं वो भी शामिल थे रूस में। इनके क्या था, रूस पर जार निकोलस का शासन था। रूस की राजधानी मास्को है। इसके साथ साथ उसके साम्राज्य में लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, ये सारे जो राज्य हैं वो शामिल थे। प्रशांत महासागर तक रूसी साम्राज्य है वो फैला हुआ था। जो रूस है उसमें क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा थे और कैथलिक, मुस्लिम और बौद्ध धर्म को मानने वाले भी शामिल थे। ये तो है रूसी साम्राज्य। उसके बाद हम करेंगे अर्थव्यवस्था और समाज, कि जो रूस है उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी 1914 के बाद और जो समाज है वो कैसा था। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। इनकी रूस की आबादी का जो व्यवसाय क्या था, खेतीबाड़ी, इनकी कृषि। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनसंख्या आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। इनकी कितनी परसेंट, रूसी साम्राज्य की 85% जनसंख्या आजीविका के लिए किस पर निर्भर थी, खेती पर निर्भर थी। यूरोप के बाकी किसी भी देश में कृषि पर आधारित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। इनकी बाकी जो यूरोप के देश हैं जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, उनमें रूस की तरह ही इतनी जनता, इतना जो प्रतिशत नहीं था कृषि पर आधारित जनसंख्या का, क्योंकि रूस में 85% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। बाकी देशों में इतना जो प्रतिशत नहीं है कि इतनी जनसंख्या है, इतने परसेंट जो जनसंख्या है वो कृषि है नहीं करती है। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे और रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। जो रूसी साम्राज्य के जो किसान थे वो अपनी जरूरतों के लिए तो अनाज को रखते ही थे, उसके साथ साथ बाजार में भी बेचते थे, बाजार के पैदावार के लिए भी करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। निर्यातक क्या होता है, बेचने वाला, कि अनाज को जो रूस है वो बेचता था दूसरे देशों को, तो दूसरे देशों को जो बेचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, निर्यातक। तो यानी कि रूस के किसान है अपनी जरूरतों को भी पूरी करते थे और साथ में बाजार के लिए जो पैदावार है उसको भी रख लेते थे और रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। उद्योग बहुत कम थे क्योंकि 85% जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी, उद्योगों की संख्या थी वो बहुत ही कम थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। रूस के प्रमुख औद्योगिक इलाके कौन कौन से थे, सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को। हालांकि ज्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। इनकी सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को दो ही प्रमुख औद्योगिक इलाके थे और ज्यादातर जो उत्पादन है वो कौन करते थे, कारीगर ही करते थे।
कारीगरों की जो इकाइयां थी, वर्कशॉप थे, उनके साथ साथ जो कल कारखाने, छोटे मोटे जो कारखाने हैं वो भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू किए गए थे कि यूरोप में, इसमें रूस में ज़्यादातर जो कारखाने हैं वो 1890 के दशक में शुरू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में शुरू हो गए थे और उसी समय रूस का जो रेल नेटवर्क है उसको फैलाया जा रहा था। इन कारखानों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई, कि जो इन कारखानों में कुछ ही सालों में जो उत्पादन है वो ज्यादा हुआ, कोयला उत्पादन में 2 गुना वृद्धि हुई और स्टील उत्पादन है उसमें 4 गुना वृद्धि है वो हुई, यानी कि औद्योगिक जो उत्पादन है वो बढ़ा। ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी, जो कारखाने थे वो ज्यादातर निजी थे, सरकार द्वारा स्थापित नहीं किए गए थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हों, इस बात पर ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे। जो सरकारी विभाग है वो इन कारखानों पर या उन फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे कि मजदूरों को जो वेतन निर्धारित किया गया है वो भी मिले, वो मिले, और काम के घंटे हैं वो भी निश्चित हों, उन घंटों से ज्यादा उन पे काम है वो ना करवाया जाए। तो इस चीज के लिए जो सरकारी विभाग है वो फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने में नाकामयाब थे, कि फैक्ट्रियों पर सरकारी विभाग नजर रखते थे, उसके बाद भी जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है वो भी नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली 15 घंटे तक खींच ली जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10-12 घंटे की पालियों में ही काम करते थे। कि कारखानों में मजदूर हैं वो तो कितने घंटे काम करते थे, 10-12 घंटे काम करते थे, लेकिन जो कारीगर हैं उनसे 15-15 घंटे तक जो काम है वो लिया जाता था। कई बार 15-15 घंटे तक उनकी काम की जो पाली है वो खींच दी जाती थी। फिर सामाजिक स्तर पर भी मजदूर है वो बटे हुए थे। कुछ मजदूरों का अपने मूल गांव से अब भी गहरा संबंध था, जबकि कुछ शहरों में स्थायी रूप से बस चुके थे। कि जो मजदूर है वो सामाजिक स्तर पे भी बटे हुए थे, कुछ मजदूर तो अभी भी अपने गांव से गहरा संबंध रखते थे अपने, जबकि कुछ मजदूर हैं वो शहरों में आके ही बस गए थे स्थायी रूप से। उनकी योग्यता और दक्षता में भी कमी थी, कि मजदूर जो फर्क था, मजदूर जो वर्ग था उनकी योग्यता भी अलग अलग थी, उनकी दक्षता भी अलग अलग थी। कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ नहीं थे। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में महिलाओं की संख्या है वो 31% थी, 31% महिलाएं थी जो फैक्ट्री में काम करती थी। उनको पुरुषों के मुकाबले 1/2 से 3/4 तक कम वेतन मिलता था, कि महिलाओं को जो पुरुष हैं उनके मुकाबले जो वेतन है वो कम मिलता था। फिर इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था, इनकी विभेद क्या थे, अधिक घंटे तक काम लिया जाता था, वेतन कम दिया जाता था, महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलता था, तो इस तरह के जो विभेद होते हैं, विभेद क्या, भेदभाव, इस तरह के भेदभाव के बाद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था, जब किसी को नौकरी से निकाल देते थे किसी मजदूर को, तो उन्हें मालिकों से शिकायत होती थी, तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल कर देते थे। कि अगर किसी को नौकरी से निकाल देते या फिर किसी मालिक से कोई शिकायत होती तो मजदूर क्या करते, मजदूर एकजुट होकर इकट्ठा होकर हड़ताल कर देते थे। और इसी तरह के जो हड़ताल है वो 1896-97 के बीच कपड़ा उद्योग में हुई थी, कपड़ा उद्योग में, रूस में कपड़ा उद्योग में हड़ताल हुई थी। कब हुई थी, 1896-97 के बीच में, और 1902 में धातु उद्योग में, और इसी तरह की जो हड़ताल है धातु उद्योग में कब हुई थी, 1902 में। ऐसी हड़तालें बड़ी संख्या में आयोजित की गई थी। ये हड़तालें क्यों की जाती थी, या तो जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था किसी मजदूर का, मजदूर को, या फिर उनसे मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर क्या करते थे, हड़ताल कर देते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा, कपड़ा उद्योग में हड़ताल कब हुई, कब हुई, 1896-97 में। धातु उद्योग में हड़ताल कब हुई थी, 1902 में। फिर देहात की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे। देहात क्या, ग्रामीण, जो गांव की ज्यादातर जो जमीन थी किसान उस पर क्या करते थे, खेती करते थे। परंतु विशाल संपत्तियों पर सामंतों और राजाओं का कब्जा था। जो कुछ जमीन थी, जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन जो विशाल संपत्ति, जो बड़ी संपत्तियां थी उस पर किसका कब्जा था, सामंतों और राजाओं का कब्जा था। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे,
कुछ अपवादों को छोड़कर वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे, कि जो किसान है वो धार्मिक स्वभाव के थे और सामंतों और नवाबों का वो बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति निष्ठा व सेवा भावना से मिली हुई थी। जो नवाब और जो सामंत होते थे उनको जो सत्ता जो अधिकार मिले हुए थे क्योंकि उनका जो विशाल संपत्तियों पर उनका जो कब्जा था वो लोकप्रियता की वजह से नहीं था। जो बड़ी संपत्ति पर सामंतों का कब्जा होने का क्या कारण था? उनका कब्जा होने का कारण था जो सम्राट था जार निकोलस, जार के प्रति उनकी निष्ठा और जो सेवा भावना थी उसकी वजह से उनका विशाल संपत्तियों पर कब्जा था। रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए। क्या चाहते थे रूस के किसान? इसलिए वे नवाबों और सामंतों का सम्मान नहीं करते थे क्योंकि वे क्या चाहते थे कि जो नवाब हैं उनसे जमीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी कर दी जाती थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। कैसी घटनाएं? कि जमींदारों की हत्या भी कर दी जाती थी नवाबों द्वारा सामंतों द्वारा जब वो उनका विरोध करते थे। 1905 में तो पूरे रूस में ऐसी घटनाएं देखने को मिली क्योंकि किसान उनका विरोध करते थे, उनका सम्मान नहीं करते थे और वे उनसे जमीन छीन कर किसानों में बांटना चाहते थे। तो इसलिए जो हत्या की जो घटनाएं हैं वो आमतौर पर देखने को मिली 1905 के बाद रूस में। रूसी किसान बाकी यूरोपीय किसानों से भिन्न थे। जो बाकी यूरोपीय देश हैं जैसे फ्रांस जर्मनी, जो रूस के किसान हैं बाकी यूरोपीय देशों के किसानों से भिन्न थे, अलग थे। क्यों? यहाँ के किसान समय समय पर अपने जमीन कम्यून को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों में जमीन को बांटते थे। किसान समय समय पर अपने जमीन कम्यून इनके ठेकेदार को दे देते थे और फिर कम्यून है वो प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से हर साल अपनी जमीन को वापस उसी को दे देते थे। एक साल जैसे जमीन पे खेती की उसके बाद वापस कम्यून को सौंप दिया, फिर नेक्स्ट ईयर फिर कम्यून के परिवार किस परिवार को कितनी जरूरत है उसके हिसाब से जमीन का बंटवारा है वो करते थे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हमने क्या किया? रूसी साम्राज्य और उसके साथ हमने क्या किया? रूसी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और रूसी साम्राज्य में जो समाज है वो। इसी के साथ ही जो हमारा होमवर्क है जो आपको फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करना है क्या रहेगा? क्वेश्चन फर्स्ट है, 20वीं सदी के आरंभ में रूस में कारीगरों और मजदूरों की दशाओं का वर्णन करें। कि 20वीं सदी के शुरुआत में रूस में कारीगरों और मजदूरों की क्या दशाएं थी? क्या दशाएं थी? फर्स्ट है, किसी को जब नौकरी से निकाल दिया जाता था तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल करते थे। कि 20वीं सदी में अगर किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था तो मजदूर क्या करते थे? एकजुट होकर हड़ताल करते थे। काम की पाली निश्चित हो इसके लिए सरकारी विभाग और फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे। सामाजिक स्तर पर मजदूर है वो बटे हुए थे। बेरोजगारी और आर्थिक संकट में एक दूसरे की मदद के लिए संगठन है वो बना लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी किसान अन्य किसानों से किस प्रकार भिन्न थे? क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका आंसर आपका ये रहेगा यहाँ से यहाँ तक, कि रूसी किसान बाकी यूरोपीय किसानों से भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर अपनी जमीन कम्यून को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों में जमीन है उसको बांटते थे। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो रहेगा। उसके बाद है, कपड़ा उद्योग में हड़ताल कब हुई थी? 1896 से 1897 जैसे ये है 1896-97 के बीच कपड़ा उद्योग में हड़ताल हुई थी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1896-1897 में। फिर धातु उद्योग में हड़ताल कब हुई? धातु उद्योग में हड़ताल कब हुई थी? सन 1902 में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1914 में रूसी साम्राज्य पर किसका शासन था? सन 1914 में रूसी साम्राज्य पर किसका शासन था? किसका शासन था? 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस का शासन था। किसका शासन था? जार निकोलस का शासन था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी में रूस की कितने प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी? कितने प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी? 85% आबादी। जैसे कि रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनसंख्या आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 85% आबादी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी।
नेक्स्ट है, रूस की राजधानी का नाम बताओ। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। जैसे मॉस्को रूस की राजधानी, तो लास्ट क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये जो 7 क्वेश्चन हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करने हैं।